प्रिय मुलांनो, काल आपण पाठ क्रमांक 20 मुलांनी काढलेली चित्रे 2 मध्ये 3 चित्रांचे निरीक्षण केले आहे। आज आपण 3 चित्रांचे निरीक्षण करणार आहोत। प्यारे बच्चों, कल हमने सबक नंबर 20 बच्चों ने निकाली हुई तस्वीर 2 में से 3 तस्वीर का मुशाहिदा किए थे और मालूमात हासिल की थी। आइए आज हम 3 तस्वीर का मुशाहिदा करेंगे और मालूमात हासिल करेंगे। चला अपन चित्र क्रमांक 4 चे निरीक्षण करू। हे चित्र एक बागीचाचे आहे। या बागेत फूल फुललेली आहे। या बागेत मुलांसोबत डोरेमॉन सहलीला आलेले आहेत। डोरेमॉन सोबत मुले खेळताना दिसत आहेत। मुलांनी चटईवर आपले डबे आणि पाण्याची बॉटल ठेवलेली आहे। प्यारे बच्चों, तस्वीर नंबर 4 में ये एक तस्वीर बाग की नजर आ रही है। इस बाग में फूल खिले हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर डोरेमॉन के साथ बच्चे शहर के लिए आए हुए हैं और वो डोरेमॉन के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने साथ खाने के डिब्बे और बोतलें साथ लाई हुई हैं, जो एक चटाई पर रखी हुई नजर आ रही हैं। चला अपन चित्र क्रमांक 5 निरीक्षण करू। या चित्रामध्ये डोरेमॉन सोबत मुले जंगलाच्या सहलीला गेले आहे। जंगलामध्ये लहान व मोठे झाड आहे। सर्व बाजू हिरवगार व आनंददायी वातावरण दिसत आहे। मुले डोरेमॉन सोबत फोटो काढताना दिसत आहे। प्यारे बच्चों, तस्वीर नंबर 5 में ये तस्वीर एक जंगल की तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ जंगल की सैर के लिए डोरेमॉन के साथ बच्चे आए हुए हैं। जंगल में छोटे बड़े बहुत सारे दरख्त नजर आ रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और पुरसुकून माहौल नजर आ रहा है। यहाँ पर बच्चे डोरेमॉन के साथ फोटो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। चला अपन चित्र क्रमांक 7 निरीक्षण करू। या चित्रामध्ये एक आइसक्रीम चे दुकान आहे। दुकानाच्या बाजूला एक मुलगा आंबे विकत आहे। संध्याकाळची वेळ आहे। सूर्य मावळणार आहे। आकाशात चिमण्या फुल पाखरू उडत आहे। प्यारे बच्चों, तस्वीर नंबर 6 में एक आइसक्रीम की दुकान नजर आ रही है। उसके बाजू में एक लड़का आम फरोख्त करते हुए नजर आ रहा है। ये पूरा मंजर शाम का नजर आ रहा है। यहाँ पर सूरज डूबने वाला है, ग्रुब होने वाला है। आसमान में परिंदे और तितलियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, कल हमने 3 तस्वीर का मुशाहिदा किए थे और मालूमात हासिल की थी। आज हमने इन 3 तस्वीर का मुशाहिदा किए और मालूमात हासिल की। शुक्रिया, धन्यवाद।